dear student, welcome to the online classes of SBPS. In this video for 7th class, in English grammar, I am teaching you pronouns, kind of pronoun. In the previous video, in studies, I have taught you 4 kind of pronoun. Now, the remaining kinds I will teach you today. Your 5th kinds is interrogative pronoun. आपका ये क्या होता है, देखिए द प्रोनाउंस डेफिनेशन लिखोगे एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इज यूज टू आस्क क्वेश्चन, पहले की डेफिनेशन एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस इज यूज टू आस्क ए क्वेश्चन और इंक्वायर समथिंग या कुछ इंक्वायरी करने के लिए. दिस वर्ड टेक द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट इन द सेंटेंस. हु एट द पास्ट प्रेजेंट की हु एट द पास्ट दीज आर द एग्जांपल ऑफ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. एंड योर नेक्स्ट टाइप इज पजेसिव प्रोनाउन. 6-1 के लिए पजेसिव प्रोनाउन भी संबंध का सर्वनाम. ये क्या होता है बेटा, देखिए डेफिनेशन में बोलूंगा. पजेसिव प्रोनाउन रेफर टू पजेशन, ये अधिकार को दर्शाते हैं. दैट इज अर्थात ओनरशिप, ओनरशिप अधिकारी होता है. दे आर यूज इंस्टीड ऑफ ए नाउन. द पजेसिव प्रोनाउंस आर माइन अवर हिज हर्स ईटीसी. जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस बुक इज माइन, ये किताब मेरी है. दिस इज फॉर एग्जाम्पल ऑफ पजेसिव प्रोनाउन. नाउ द एग्जाम्पल ऑफ पजेसिव क्या नाम पजेसिव प्रोनाउन है, दिस इज माय बुक. नेक्स्ट प्रोनाउंस इज सेल्फ, आपका डिस्ट्रीब्यूटिव ब्यूटिव प्रोनाउन. थ्रो नाउ व्हाट इज दिस, मैं आपको डेफिनेशन बोल रहा हूं. देखिए व्हेन द प्रोनाउंस आस्क्ड, व्हेन द प्रोनाउन ईच आइदर नाइदर रेफर टू पर्सन और थिंग. जब कोई प्रोनाउन होता है ईच आइदर नाइदर, ये किसी व्यक्ति और चीज की इशारा करते हैं. वंस एट अ टाइम, एक बार एक ही समय में. तो दे आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. फॉर एग्जांपल ईच ऑफ हिज सन्स टचेस हिज फेस. जैसे एग्जांपल ईच ऑफ हिज सन्स टचेस टी ओ यू टी एच जी एस हिज फेस, उसका पैर एक बेटा उसके पैर छूता है. योर एग्जांपल बिल्ली. सो हियर ईच वन एंड एवरी वन आर ऑलवेज सिंगुलर. ये बात भी याद करनी है. Neither and either are used to refer to an individual in a pair or a group, and each is used to refer to the individuals in a group. And your next type pronouns is indefinite pronoun. Eight kinds होते हैं indefinite pronouns. तो ये क्या होते हैं indefinite pronouns, देखिए. These are the pronouns that do not refer to noun definitely. ये किसी संज्ञा को निश्चित तरीके से परिभाषित नहीं करते हैं, but only indefinitely, लेकिन indefinitely करते हैं. They are one and body वाले, someone, somebody, and their numbers are 16. और इनकी संख्या 16 होती है. For example, somebody है कि कौन दिया, कोई वहाँ जा चुका है. या somebody somebody has gone there. And dear students, you know one and body का different जानते हो? One and body, B-O-D-Y. There is no different. इसमें कोई different नहीं होता. इसमें कुछ भी लगा दो, जैसे some लगा दो, someone हो जाएगा. Some लगा दो, something हो जाएगा. Somebody या someone एक ही चीज होती है. किसी में anything, anybody, सोलह होते हैं, कुछ भी लगा दो. And these are always सिंगुलर, ये हमेशा नंबर में आपके सिंगुलर होंगे. योर लास्ट प्रोनाउंस इज रिलेटिव प्रोनाउन. 9th वन इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन भी संबंध कारक सर्वनाम. आपके जो जैसे कि बहन, जैसे कि बहन हो गया, बेयर हो जाएगा, तो बहन का अर्थ आपका कब भी होता है एंड जब भी होता है, दोनों अर्थ निकलते हैं. बहन का कहाँ होता है एंड बेयर भी जहाँ भी होता है. तो एक मोटी बात है, दोनों पहचान पहचान के इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव रिलेटिव प्रोनाउन का
है, लेकिन हिंदी में इसके अर्थ जकार वाचक आता रिलेटिव का, जैसे जब, जो, जिसने, जिसको, और इसमें ककार वाचक होता है। एंड वन थिंग मोर इम्पोर्टेंट, दीज प्रोनाउंस आर यूज इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, इन प्रोनाउनों का शुरुआत में यूज किया जाता है। एंड रिलेटिव प्रोनाउंस आर यूज इन द मिडिल ऑफ द सेंटेंस टू एड टू सेंटेंसेस, दो वाक्यों को जोड़ने में इसका यूज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द प्लेस, यह वो स्थान है, तो वेयर आई वाज, जहाँ आई वाज बोर्न, जहाँ मेरा जन्म हुआ था। सो डेफिनेशन आप, मैंने नहीं बताया वो मैं आपको बता दूँ। दिस प्रोनाउन रेफर टू द नाउन और प्रोनाउन दैट हैज बीन मेंशन अर्लियर, इस नाउन को रेफर करते थे, वेयर हो गया कहाँ, ये प्लेस को कर रहा है। इट इज कॉल्ड इट्स एंटीसिडेंस, ये इसकी पूर्ववर्ती कही जाती है। पूर्ववर्ती क्या होती है, देखिए, द नाउन्स और प्रोनाउन्स which are used just before a related pronoun are called its purvarti, to ye place ho gaya, purvarti ho gaya, okay. Now this dear student, in this video I have told you all types of pronoun, five types bole maine, interrogative, possessive, distributive, indefinite pronoun and related pronoun, which you will write by listening my speech. That's all for this video. Thanks.